दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने ज्योतिष चैनल एस्ट्रो पंडित अरुण भारद्वाज में। दोस्तों हम आशा करते हैं आप सभी कुशल मंगल होंगे, क्योंकि आपका अपना चैनल एस्ट्रो पंडित अरुण भारद्वाज आपको ज्योतिष से जुड़ी अति महत्वपूर्ण और अच्छी अच्छी जानकारियां नित्य उपलब्ध कराता रहता है। हमारी मनोकामना और प्रयास रहता है कि आपका जीवन सुख समृद्धि से भरा रहे और आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण हो। तो दोस्तों समय व्यर्थ ना करते हुए बात करते हैं आज की अति महत्वपूर्ण और अच्छी जानकारी के विषय में। दोस्तों आज हम जो बात करने वाले हैं उसे बहुत ध्यानपूर्वक सुने तथा फिर समझें। कहीं आपकी इस छोटी सी गलती के कारण आपके घर में गरीबी, कर्ज, बीमारी, लड़ाई, कलेश तो नहीं हो रहा है? जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं आपके घर के तवे के बारे में। दोस्तों तवा आपके सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदल सकता है। कहीं आपके घर की सभी समस्याओं का कारण आपका तवा तो नहीं है? समय व्यर्थ ना करते हुए बात करते हैं तवे के बारे में। दोस्तों तवे में शनि का वास होता है और इसके गहरे होने के कारण इसके केंद्र में राहु का वास होता है। अगर आप भी तवे से जुड़ी ये गलती करते हैं तो आप पर शनि, राहु, केतु का प्रकोप शुरू हो जाता है और आपको कोई भी नहीं बचा सकता है। आपके घर में लड़ाई, कर्ज, बीमारी, कलेश बढ़ने लगते हैं। तो समय व्यर्थ ना करते हुए बात करते हैं तवे के बारे में। कौन सा तवा और किस तरह का तवा प्रयोग करना चाहिए, उससे पहले अपने चैनल एस्ट्रो पंडित अरुण भारद्वाज को लाइक तथा सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद जरूर दें, ताकि ज्योतिष से जुड़ी अत्यंत लाभकारी जानकारी तथा उपाय आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो सके। दोस्तों बात करते हैं तवे के बारे में। तवा हमेशा लोहे का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि लोहे के तवे में शनि देव का वास होता है तथा तवा हमेशा बीच से गहरा होना चाहिए। इससे इसके केंद्र में राहु का वास होता है, जिस पर शनि देव का प्रभाव रहता है और आपके घर पर राहु की कुदृष्टि नहीं पड़ पाती है। तवे को उल्टा नहीं रखना चाहिए, इससे आपके घर पर शनि की कुदृष्टि पड़ने लगती है। तवे को कभी भी साबुन या सर्फ से नहीं धोना चाहिए। तवे को हमेशा राख या कोयले से धोना चाहिए, क्योंकि राख और कोयला शनि देव की प्रिय वस्तुओं में से एक होता है। इनसे ये अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। शनिवार के दिन तवे को कोयले या राख से साफ करने से शनि देव आपको मालामाल कर देते हैं तथा आपके घर से बीमारी,
दरिद्रता हमेशा के लिए दूर रहती है। तवा बीच से थोड़ा गहरा होना चाहिए, इससे राहु शनि देव के प्रभाव में रहते हैं। तवे को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए तथा तवे पर एक दो बूंद सरसों का तेल डालकर पहली रोटी गाय के लिए तथा आखिरी रोटी कुत्ते के लिए निकालनी चाहिए। यदि आप प्रतिदिन ऐसा नहीं करते हैं तो शनिवार के दिन जरूर करें। इससे शनि देव की कृपा आप पर बनी रहती है तथा आपके घर से बीमारी, दुख, कर्ज, गरीबी, लड़ाई हमेशा दूर रहती है। रोटी बनाने से पहले तवे को काले नमक के पानी से साफ करें। गर्म तवे पर कभी भी पानी के छींटे नहीं मारने चाहिए। तवे के आसपास गंदगी नहीं होनी चाहिए। तवे को रात के समय हमेशा अंधेरे में ही रखें। लोहे के तवे में रात के समय शनि देव का वास होता है। अंधेरे में उनका प्रभाव और बढ़ जाता है तथा वो शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। वास्तुशास्त्र ही नहीं, वैज्ञानिक दृष्टि से भी लोहे के तवे का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे आपके शरीर को जरूरी आयरन मिलता है। जिन्हें संतान होने में परेशानी है उन्हें तो लोहे के तवे की ही रोटी खानी चाहिए। दोस्तों, हम आपको आगे भी ज्योतिष तथा वास्तुशास्त्र से जुड़ी अच्छी अच्छी जानकारी सबसे पहले उपलब्ध करा सकें, इसके लिए चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद जरूर दें।